नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि पता आपको, हम पहुंच गए थे सूरत रात, और रात तो थके हुए थे बहुत ज्यादा, बस आके खाना खा के लेट गए थे। तो अब है नेक्स्ट डे हमारा, तो सुबह का टाइम है 9 बज के लगभग, 9:30, और हम रेडी हो चुके हैं दोनों। और आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी, उसका भी कारण बता दूं आपको। 2 दिन से क्या हो रहा, यहाँ पे ना नेट की प्रॉब्लम हो रही बहुत ज्यादा, यहाँ वीडियो अपलोड हो ही नहीं रही। सुबह से 6 बजे से हम दोनों ट्राई कर रहे हैं, उनका रात भी हो जाए, रात ट्राई भी ट्राई करी, लेकिन अपलोड नहीं हो रही। उसके लिए सॉरी, देखते हैं जैसा भी बाहर निकल के, अब अगर जैसा भी टाइम मिलेगा हमें, उसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हो जाए कोशिश करेंगे। तो अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर दिया है अभी ऐसे ही। मैं तो इनको बोल रही थी वो के बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये ऑर्डर करके आ गए। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या मंगाया आपने ब्रेकफास्ट में। दो परांठे मंगाए और अच्छा एक ही, दही। अच्छा बस। तो सुबह का तो हल्का ही लेंगे, क्योंकि दिन में हमें घूमना फिरना भाग दौड़ है, बाद में देखेंगे। तो बस अब है ब्रेकफास्ट का इंतजार करके चलेंगे, क्योंकि पेट में भी चूहे कूद रहे हैं बजा को आपके नहीं कूदे क्यों? मैंने एक बिस्कुट खा लिया अच्छा, एक बिस्कुट तो ही चंगे। कैमरे में पता नहीं तू सोनी दिखे है, मैं नहीं दिखता सोना जबकि हूं मैं सोना। चलो कम से कम कैमरा तो मेरी खूबसूरती को देख रहा, आपको नहीं दिखी तो कम से कम ये तो है। यहाँ ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है, और ब्रेकफास्ट में वही पराठा है, दही है और अचार है। अचार ये समझ में नहीं आता, ये रात भी आया था कि कहा चटनी सी है, अचार अपने है। वाला ही काटो, देसी वाला वही चलो खा चलेगा लेंगे। बढ़िया। तो और आलू के पराठे, आलू के ही है ना? आलू के ही है। तो जी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हमने कर लिया है, और बस अब चलते हैं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ जाना, कैसे कैसे वो बाहर निकल के ही पता चलेगा। चलो हमने ऑटो कर लिया, तो हम चल चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे अब रघुपुर मार्केट, क्योंकि थोड़ा देखते हैं कि खरीदना क्या नहीं, घूम के आएंगे कि यहाँ का बाजार बड़ा है वो सबसे बड़ा, वहाँ पे ही जाएंगे। भीड़ बहुत है यहाँ पर, सबसे ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, भीड़ बहुत ज्यादा। शाम का टाइम हो गया, आप भी बोलोगे कि बस खाने पीने का ही दिखा रही, और कुछ दिखाई नहीं रही। तो यहाँ हमारी चाय आ गई है शाम की, तो हमने चाय ऑर्डर कर दी थी, चाय आ गई, और ये बस चाय लगा देंगे 2 कप चाय। और बिस्किट नमकीन हमारे पास अपने पड़े ही लाए हुए हैं, उनका क्या चाय का कलर देखो, वही है बिल्कुल चाय वाला ही, मोदी वाली चाय। ये देखो चाय गजब है, देखने में तो लग रही बढ़िया वाली, और देखो कैसी अच्छा जी मैं लगेगी। आपको बता दूं, हम खाने पीने का चाह का ही दिखा रहे क्योंकि यही कर रहे हैं आप, हमारा दिमाग खराब हो गया, खराब हैंग हो रहा। 2 दिन हो लिए वीडियो निकल डली चैनल पे, और दिमाग इसलिए समझ नहीं आ रहा, दिमाग में करे तो करे क्या, ज्यादा स्टेशन पर प्रेस। बैठे हैं 1 घंटा स्टेशन के नेटवर्क खत्म, मोबाइल तो कर रहे पता नहीं मोबाइल में नेट कभी भी चल रहा सारा कुछ, लेकिन नेट चल रहा अपलोड नहीं सारी हो रही गजब की, वीडियो। अपलोड नहीं हो रही वीडियो। अब भी देख लो कम से कम 2 घंटे से लगा रखी है, और उसी के चक्कर में हम बाहर भी नहीं जा रहे उसी कहीं से के चक्कर में घूमने, कहीं भी घूमने जा रहे, और होटल का जो वाईफाई है उससे भी उससे कोशिश कर भी रहे हैं, यूज रात कर भी रहे कोशिश हैं। करी रात, ये तो किस्मत मान लो या कुछ मान लो, 12-1 बजे वो नेट बंद हो गया, वो कह रहे जी कुछ खराब भी आ गई।
अब फेल लगा रखी, अब देखो भी वही चक्कर है। देखो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, सबसे बड़ी बात तो वही हो रही नेट की, कि इसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे, और ज्यादा टाइम के लिए हम सूरत में आए भी नहीं हैं। एक दिन के लिए रात आए थे, और आज शाम की हमारी टिकट है वापिस जाने की। हालांकि कन्फर्म नहीं हुआ। और दोपहर तक तो एक 1:30 बज गया था, हमें वहीं पे ही जिस काम के लिए हम आए थे वहीं पे ही लग गया हमारा। उसके बाद फिर हम खाना खुना खाने गए तो सर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उस वजह से फिर बाहर दोबारा जा भी नहीं पाए। और वीडियो के चक्कर में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही, वीडियो हो नहीं पा रही बिल्कुल भी, ये ज्यादा दिक्कत हो रही कि कैसा करें, वाईफाई वगैरह सब कुछ यूज कर लिया। और अब है हमारे शाम की ट्रेन, और उसमें अब उसकी और ज्यादा टेंशन ये बढ़ रही कि जो टिकट है हमारा कंफर्म नहीं हो रहा। अभी हम सोच रहे कि क्या करें, अगर कहीं घूमने निकला है तो फिर कैसा जाना कैसा नहीं जाना, या फिर कैसा करना, वो ही हम डिसीजन ले नहीं पा रहे, उसमें ही हम कंफ्यूज हैं। मान लो कि सूरत में आके हम कंफ्यूज ही हो रहे हैं, परेशानी ज्यादा आ रही है हमें, कुछ ना कोई दिक्कत हर चीज में हर आती चीज मारी बस। वरना जैसा स्टेशन से हम होटल में आए या फिर वहां गए जहाँ काम था, फिर वापिस यहाँ आए, बाकी हमें कहीं भी जाने का, क्योंकि एक तो टाइम कम है, दूसरी हमारी सिचुएशन ही ऐसी होती जा रही वो ज्यादा हो रहा, तो इसलिए उसके लिए सॉरी बाहर का कुछ दिखाने के लिए। और अगर बाहर घूमने का हमारा प्रोग्राम होता वो हम घर से ही बना करते, हम जब भी बच्चों के साथ आएंगे तभी घूमने जाएंगे, बच्चों के बिना कुछ नहीं अच्छा लगता, सबसे बड़ी बात तो यही है। हमने सोचा भी था कि बच्चों के साथ ही जाएंगे, इसीलिए हमने टाइम कम रखा था। दूसरा, अगर बच्चे होते साथ तो फिर तो अभी चले जाते हैं, और उससे भी ज्यादा अगर थोड़ा टाइम मिलता तो जाते भी, लेकिन इस वीडियो की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। अपलोड होते हैं, 80% खत्म। और फिर टिकट कंफर्म नहीं है, अब वही सोच रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, उसी उलझन में हम उलझे हुए। तो जी बस चाय पी लें या दिखा दें, अरबी 2 दिन हो गए वीडियो वीडियो 2 दिन से डली नहीं, परसों डली थी, तीसरा दिन है आज, तो सभी परेशानी हो रही, वीडियो तैयार है सब कुछ लेकिन डल नहीं पा रही है, दिक्कत आ रही। चलो जी, खैर आप समझोगे हमारी सिचुएशन को, और बस आ जाओ आप भी चाय पी लो, कड़क वाली चाय है गुजरात की चाय मोदी की। तो फ्रेंड्स देखिए, पैकिंग हमारी हो गई है, ये देखिए बैग मैंने पैक कर दिए दोनों, ये वाला भी, और बस अब है हमारा चलने का समय। अभी हम सामान रखेंगे नीचे, क्योंकि अभी ट्रेन का टाइम है, 10 बजे है ट्रेन, अभी 6 बजे, और देखते हैं अभी जब तक थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, क्योंकि सुबह से तो यही बंद है। अब देखते हैं किधर जाना, तो बस हम चेकआउट करने जा रहे हैं सबसे पहले तो, और फिर चलेंगे घूमने। तो फ्रेंड्स देखिए, पैकिंग हमारी हो गई है, बस अब हम करते हैं चेकआउट, और ट्रेन का तो समय है अभी 6 बजे ही है, अभी 6 ही बजे, 10 बजे है ट्रेन हमारी, लेकिन चेकआउट करने का समय 6 बजे ही था, वरना तो फिर पूरे दिन का चार्ज लगेगा दोबारा, फिर अगर हम अभी 1-2 घंटा और रुके तो हम सोच रहे जो सामान है वो नीचे रखवा देंगे, उनसे बात होगी, वे कह रहे कि आप नीचे रखवा दो सामान, कोई चार्ज नहीं है नीचे का, और आपके सामान का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ हमने पैकिंग कर ली, अब जो बैग है वह नीचे रख देंगे, तब तक हम घूम फिर लेंगे, क्योंकि सुबह से तो हम यही पड़े। ये दोनों बैग रिसेप्शन पे रख के थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। इसे बाजार दिखा लो, इन्हें कह रही मार्केट मार्केट, तो इसे दिखा लो, नहीं और क्या है, कमरा दिखाने लाए थे बस मुझे यहाँ से, टेम्पो है यो, बस है यो, गाड़ी है, वीडियो तो अपलोड हो ही नहीं, इस चक्कर में ऐसा कुछ सड़क भी ना दिखाऊंगा यहाँ की, इस चक्कर में ऐसे दिखा दूंगा थोड़ा सा। तो देखते है कहाँ घूमने जाना, बाजार वगैरह जो भी, कुछ भी नहीं लिया ना निकले बाजार में। यहाँ हमने बस चेकआउट कर दिया और बैग रख दिए हैं नीचे ही, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका था, 6 बज गए थे मतलब कमरा छोड़ने का, और आज ही शाम को हमें निकलना है, शाम की ट्रेन है हमारी, और बस बैग रख के अभी टाइम था काफ़ी, 10-10:30 बजे थी ट्रेन, तो हमने सोचा चलो कहीं घूम आते हैं जब तक, तो यहाँ चल दिए हैं ये मुझे घुमाने के लिए, और बस यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही है, और जो ऑटो वाले अंकल हैं वो हमें यहाँ पे गुजरात के बारे में सारा कुछ बता रहे, कि क्या कहाँ था कैसा था ये सब बता रहे, क्या क्या था, और मतलब जितनी भी, जैसा अगर आप वहाँ पे जाओगे कभी भी सूरत जाओगे,
वहाँ पे कोई भी ऑटो वाला आपको जैसा मिलेगा, आपको कहीं भी जाना, वे वहीं पे ही छोड़ देंगे और सारा कुछ बताएंगे उसके बारे में कि यहाँ पे कैसे था, क्या था पहले, क्या अब क्या चेंज हो गया, क्या कैसा बन रहा। इन्होंने अंकल ने जब तक हम जैसा घूमे इनके साथ, तो इन्होंने हमें, मुझे लग रहा, सूरत की कोई भी जानकारी नहीं छोड़ी कि हमें नहीं बताई, पूरी बताई कि कहाँ मेट्रो बनने लग रही, कहाँ पे ये पहले यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग थी, यहाँ पे क्या काम होता है, कपड़े का काम कहाँ होता है। और ये बता रहे थे कि पहले यहाँ पे सिर्फ सोने का काम होता था, जो कपड़े पे कढ़ाई करी जाती थी सोने की, और अब तो वो तो है नहीं, अब तो सिर्फ मतलब ये सिल्क का जो कपड़ा है वो ही ज़्यादा सूरत में बनता है, तो वो ही बता रहे। और हम चल दिए हैं घूमने के लिए, और हम कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या हमने किया, क्या हमने ख़रीदा, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये वीडियो इसी में दिखाऊंगी तो ये लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।